नमस्कार, न्यूज़ 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। कोसी और सीमांचल एक बार फिर एक होने जा रहा है। जल्द ही सीमांचल और कोसी के लोगों के कानों में ट्रेन की सीटी सुनाई देगी। अब आपको बता दें कि लंबे अरसों के बाद कोसी और सीमांचल इलाकों में ट्रेन का परिचालन होगा। सहरसा से फारबिसगंज और जोगबनी के लिए जो ट्रेन है वो चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड ने जो है समय सारणी जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि लंबे अरसों के बाद जो है अब यहाँ पर ट्रेन इस रूट में ट्रेन का परिचालन होगा। अब जो लोग भी इस लोगों के लिए भी राहत होगी, जो लोग आना चाहते थे उनको राहत मिलने वाला है, काफ़ी राहत मिलेगा क्योंकि लंबे अरसों से लोग इसके लिए आस लगाए बैठे हुए थे। अब लोगों की जो मांग है वो लगभग पूरी हो चुकी है और समय सारणी भी अब उजागर कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि जो हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि रेलवे बोर्ड ने सहरसा से फारबिसगंज होकर जोगबनी के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की हरी झंडी दे दी है। ट्रेन के समय सारणी जारी कर दिया गया है। जल्द ही परिचालन की तिथि भी जारी की जाएगी। इसके अलावा जोगबनी से सरायगढ़, दरभंगा, निर्मली होकर दानापुर के लिए एक रोज़ाना चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन दी गई है, इसकी भी समय सारणी जारी कर दी गई है। जल्द ही ट्रेन का परिचालन की तिथि जो है वो जारी कर दिया जाएगा। दोनों एक्सप्रेस ट्रेन रोज़ाना चलेगी। इसके अलावा आपको हम बता दें कि सहरसा से फारबिसगंज तक सफ़र करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही सहरसा से फारबिसगंज तक ट्रेन परिचालन शुरू हो जाएगी। ट्रेन परिचालन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा समय सारणी घोषित कर दिया गया है। एक ट्रेन जोगबनी से ललितग्राम, सरायगढ़, आसनपुर, निर्मली, झंझारपुर, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते पाटलिपुत्र और दानापुर के बीच एक्सप्रेस बनकर चलाई जाएगी। वहीं दूसरी ट्रेन सहरसा सुपौल सरायगढ़ के रास्ते फारबिसगंज तक चलाई जाएगी, जिसको लेकर रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। रेलवे बोर्ड ने समय सारणी भी जारी कर दिया गया है, मगर ट्रेन परिचालन की तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है। लेकिन रेल सूत्रों की माने तो 1 मई से दोनों ट्रेन चलाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 11 जनवरी को प्रतापगंज से फारबिसगंज के बीच गेज कन्वर्जन के बाद CRS किया गया था, जिसके बाद सहरसा से फारबिसगंज तक ट्रेन चलने की उम्मीद जग गई थी। वर्तमान में सहरसा से ललितग्राम के बीच ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन अब जल्द ही सहरसा से फारबिसगंज जोगबनी के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। देखिए, ये कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए अच्छी खबर है। लंबे अरसों के बाद अब जो है इस रूट पर जो है ट्रेन की सीटी जो है वो अब सुनाई देने वाली है।